नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गुमा। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के पांव पसारने से खतरा और बढ़ गया है। सोमवार को भारत में ओमिक्रॉन संक्रमित लोगों की संख्या 23 हो चुकी है। महाराष्ट्र के मुंबई में दो लोगों के संक्रमित मिलने के बाद यह आंकड़ा एक दर्जन के समीप पहुंच चुका है। इधर बीएमसी की तरफ से जानकारी ये दी गई है कि 1 नवंबर से जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का कोविड-19 टेस्ट है वो किया जा रहा है और इनमें से 16 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 12 पुरुष और अन्य 4 महिलाएं हैं, ये सभी जानकारी दी गई है। 5 दिसंबर तक 4,480 यात्री खतरे वाले देशों से यात्रा कर मुंबई लौटे हैं। मुंबई से पहले पुणे जिले के पिंपरी चिंडवान में 6 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मिले हैं। इनमें से 3 नाइजीरियन नागरिक हैं। इस बीच एक बड़ी चिंता की बात यह भी है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान विदेश से महाराष्ट्र पहुंचे करीब 100 यात्री गायब हो गए। इन यात्रियों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से बताया गया कि विदेश से ठाणे जिले में आए 295 विदेशी यात्रियों में से 109 यात्रियों का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ यात्रियों का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया है। इसके अलावा कई यात्रियों ने जो पता दिया था उस पते पर ताला लटका हुआ है। दरअसल खतरे वाले देशों से यात्रा कराने वाले लोगों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहने के लिए जरूरी कहा गया था, जबकि 8वें दिन उनका कोविड-19 टेस्ट किया जाता। अगर ये रिपोर्ट नेगेटिव आती तो भी इन्हें 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होता। महाराष्ट्र के अलावा 3 और राज्य भी जहां ओमिक्रॉन के केस वहां मिले हैं। इनमें से राजस्थान में 9, कर्नाटक में 2 और गुजरात में भी 2 संक्रमित की पहचान हुई है। इसके अलावा दिल्ली में भी 1 संक्रमित की पहचान हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने अंदेशा ये जताया है कि SARS-CoV-2 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर फरवरी में चरम पर पहुंच सकती है, जब देश में प्रतिदिन 1 लाख से 1.5 लाख तक मामले सामने आने की संभावना है। कोविड-19 की गणितीय अनुमान में शामिल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक मनिंद्र अग्रवाल ने ये कहा है। उन्होंने कहा कि नए अनुमान में ओमिक्रॉन स्वरूप को एक कारक के तौर पर शामिल किया गया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका के सामने आए मामलों पर करीबी से नजर रखी जा रही है, जहां इस नए स्वरूप के कई मामले सामने आए हैं। अग्रवाल ने कहा कि फिलहाल दक्षिण अफ्रीका में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होने की दर में वृद्धि नहीं दिखी है। उन्होंने कहा कि वायरस और अस्पताल में भर्ती होने का दर पर नए आंकड़ों से स्थिति की कहीं अधिक स्पष्ट तस्वीर मिलेगी। इस बीच कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक ने चेताया है कि अगला वायरस और भी जानलेवा हो सकता है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेंजा वैक्सीन, जिसे भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है, उसको बनाने वाले वैज्ञानिक ने कहा कि अगला वायरस कोविड क्राइसिस से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने भी ये चेतावनी दी है कि वैक्सीन नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लिए कम प्रभावी साबित हो सकता है। प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने कहा कि महामारी से भविष्य में बचाव और इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए ज्यादा फंडिंग की भी जरूरत है। प्रोफेसर ने कहा कि ये कोई अंतिम मौका नहीं है, जब किसी वायरस की वजह से लोग दहशत में आए हैं और इसकी वजह से जाने जा रही हैं। इधर सच्चाई ये है कि अगला इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये ज्यादा संक्रामक, ज्यादा जानलेवा या फिर दोनों ही साबित हो सकते हैं। आज इसी को लेकर चर्चा कि क्या ओमिक्रॉन के प्रति जो लापरवाही है वो कहीं हम लोगों को भारी ना पड़ जाए। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़े हैं, उनसे हम जरा ये जानकारी लेंगे इस विषय पर। डॉक्टर अंशुमान हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर डॉक्टर धर्मशिला हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमान आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर अनिता रमेश, सीनियर डॉक्टर अपोलो हॉस्पिटल से भी हैं। डॉक्टर अनिता रमेश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर अंशुमान, आप ही से सवाल। ओमिक्रॉन को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, 23 संक्रमित अभी तक मिल चुके हैं, 10 गुना रफ्तार से तेजी से ये बढ़ता नजर आ रहा है। देश भर का जो हाल है वो आपकी नजरों में इस वक्त क्या कह रहा है? मुझे 23 संक्रमित को सिर्फ आप देखिए टिप ऑफ आइसबर्ग, इस ओमिक्रॉन वेरिएंट में एस्केलेशन हुआ है जो आरटीपीसीआर में नेगेटिव रिपोर्ट दे रहा है। तो नेगेटिव रिपोर्ट का मतलब नहीं है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, कितने लोग एस्केप किए हैं, आपने बताया ही 110 लोग एक एयरपोर्ट से, दूसरे एयरपोर्ट से और भी लोग हैं, ऐसे अनगिनत लोग एस्केप कर चुके हैं। तो अब आप मानिए कि इनफ विलियन पार्टिकल्स कंट्री में ओमिक्रॉन स्ट्रेन का है। उसके पहले हमारे पास डेल्टा स्ट्रेन ऑलरेडी मौजूद है,
डेल्टा ज्यादा घातक है, डेल्टा में मारक क्षमता थी, ओमिक्रॉन में संक्रमण क्षमता ज्यादा है और इम्यून इवेड मैकेनिज्म इम्यून सिस्टम को चकमा देने की कैपेबिलिटी है। जी, जी। ये तब तक तो इतना खतरनाक नहीं लग रहा है जब तक इस संक्रमण दर ही सिर्फ ज्यादा दिख रहा है। मेन डर है सुपर स्ट्रेन होने का। सुपर स्ट्रेन उस चीज को कहते हैं, इमेजिन करो कि एक हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड हो जाए, मतलब डेल्टा वेरियंट के कुछ मारक क्षमता का तत्व ले ले और ओमिक्रॉन अपना संक्रमण क्षमता तेजी से फैलने की क्षमता रख ले और एक नया वेरिएंट निकल के आए जिसको हम सुपर स्ट्रेन कहेंगे। ये सुपर स्ट्रेन ज्यादा भयानक हो सकता है और इंडिया के लिए तीसरी लहर के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। गणितीय मॉडल की जो बात हम करते हैं, जितने भी आज तक परिकल्पनाएं की गई सारी फेल हुई हैं। जितने गणितीय मॉडल की बात की गई, चाहे वो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर करें या एम्स के डायरेक्टर करें या आईआईटी के प्रोफेसर करें, सभी फेल हुआ। उसके पीछे की वजह क्या है कि भारत इतना हेट्रोजीनस पॉपुलेशन का कंट्री है और इतने इंडिविजुअल चॉइसेस बदलते रहते हैं, वैक्सीन की रफ्तार बदलती रहती है, वेरिएंट बदल जाते हैं। इसको हम कहते हैं साइंस में, आकलन में कंफाउंडिंग फैक्टर, जो उलझा देता है। उलझने के कारण गणितीय मॉडल फेल हो जाते हैं। इसलिए गणितीय मॉडल को छोड़ दीजिए, लेकिन आप एहतियात, आप जैसे जागरूक करते हैं मीडिया वाले, ये करें, डॉक्टर अपना काम करें, अपने अपने काम के प्रति सभी लोग निष्ठावान रहे, अभी यही जरूरत है भारत। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमान, ये जो आपने बताया है यकीनन ये जो है समझने की बात है और इस पर ही हमें इस वक्त अमल करना होगा। डॉक्टर अनीता रमेश हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर अनीता, चिंता की बात पिछले कुछ दिनों से ये आ रही है कि अभी जैसे डॉक्टर अंशुमान ने भी जिक्र किया था कि करीब ऐसे 100-150 लोग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, उनका एड्रेस नहीं मिल पा रहा, टेलीफोन नंबर स्विच ऑफ है। अब उनसे जो कॉन्टेक्ट है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। इनसे 7 दिन के भीतर जो है रिपोर्ट भी लेनी थी कि अब आपका जो कोरोना है, जो ओमिक्रॉन है, वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, लेकिन इससे कितना ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है भारत पर? देखिए, अगर उसको हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कॉन्टैक्ट का जो एसोसिएट उसका ट्रेसिंग करना बहुत ही जरूरी है। हम लोग पहले भी इंडिया में कर चुके थे, फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव का टाइटली कर चुके हैं, बट इसी समय इंटरनेशनल ट्रैवलर्स है तो एयरपोर्ट से वो लोग गायब हो गया है और स्विच ऑफ कर चुके हैं, मोबाइल नंबर सही ढंग से नहीं दिया है, तो ये बहुत खतरनाक है। कहाँ से किस किस पास जा रहा है, किनके साथ मिल रहा है, वो हमको ट्रेस नहीं कर पा रहे, किन आदमी को ये ऑलरेडी वायरस दे चुके उसके बारे में भी पता नहीं है, बहुत खतरनाक है। शायद बहुत एंड ये पर्टिकुलरली दिस ओमिक्रॉन वायरस इज मोर इन्फेक्टिव, ओके, इवन वैक्सीनेटेड पीपल को भी ये वायरस का इन्फेक्शन होता है, री इन्फेक्शन होता है एंड ब्रेथ थ्रू इन्फेक्शन भी होता है। तो बहुत सारे आदमी में भी अभी एक्सपोज हो गया इन कॉन्टैक्ट से जो अभी पता नहीं चला, सो इसके लिए बहुत ही खतरा है एंड इट इज अ डेंजरस थिंग, ओके। सो सर्वेलेंस और भी टाइट करना है, स्क्रीनिंग और भी तेजी से कराना है और पॉजिटिव केसेस को जीनोमिक टेस्टिंग कराना है। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर अनीता यही सवाल आपसे एक बार कि जैसे आपने जिक्र किया कि सिचुएशन जो है हमें उसको समझना होगा और उसी को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन इस खतरे को लेकर अगर हम बात करें सरकार प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की, तो उनकी जिम्मेदारियां, उनका दायित्व इस वक्त क्या है? क्योंकि देखिए, एक पहले आया, उसके बाद संक्रमित होते होते जो है संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इससे पहले भी हमने कोरोना के वक्त ऐसा ही देखा था और दूसरी लहर में तो हमने जो भी देखा हम सब जानते हैं। ओमिक्रॉन को लेकर वो स्थिति ना बने और तीसरी लहर की जो बार बार सर्वे में बात कही जा रही है, कितना आपको लग रहा है ये सही और स्पष्ट हो सकती है? प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं क्या होगा, बट सम प्रेडिक्शन है। आपने जैसे आप बताया है, शायद जनवरी फरवरी में हमको थर्ड वेव दिखाई देगा, तेजी से केसेस बढ़ेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन था दर्शकों को से, हम लोग को क्या करना है, ये कंबाइंड इफेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके साथ साथ हेल्थ केयर एंड मीडिया। तो अगर हम आप लोग हेल्थ केयर के बारे में बताते हैं कि यस, हमको रैंप अप करना है हॉस्पिटल सर्विसेज, नॉट ओनली प्राइवेट हॉस्पिटल्स बट बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स रिक्रूट करना है, नर्सेस को भी लेना है, ट्रेनिंग देना है पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, ओके, उसके साथ साथ लेबोरेटरी फैसिलिटीज, ऑक्सीजन प्लांट बढ़ाना है, हर में दवा फार्मेसी एंड मैन्युफैक्चरिंग R&D उसको भी बढ़ाना है क्योंकि दवा का जरूरत हो सकता है, और लगातार ट्रेनिंग चलेगा।
उसके साथ साथ वैक्सीनेशन भी रैंप अप करना है। हमारे पास अभी 80% ऑफ द पॉपुलेशन सिंगल डोज से वैक्सीनेटेड है, बाकी जो एक भी वैक्सीन नहीं मिला उनको तो देना ही है और ऑल्सो सेकेंड डोज कम्प्लीट करना है। साथ साथ 12 से 18 एटलीस्ट बच्चों को भी साल का उम्र बच्चों को जो स्कूल जाना शुरू कर दिया है उनको भी वैक्सीनेशन का रैंप अप करना है, जल्दी से करना है। पॉइंट नंबर 4, बूस्टर डोज और एडिशनल डोज फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। जैसे हम लोग, हमारा लास्ट डोज फरवरी में हो चुके हैं, उसके बाद अभी वी आर एग्जिटिंग एक्सपोज टू द ओमिक्रॉन वेरिएंट, तो उसके लिए प्लस उनके साथ साथ हाई रिस्क इंडिविजुअल जिसका उम्र 60 के ऊपर है और जो किडनी की बीमारी से, हार्ट लंग लिवर की बीमारी से और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे हमारा कैंसर पेशेंट, उनको तो एडिशनल डोज लगाने का वो भी रैंप अप करना है, उसके लिए देर नहीं करना है। उसके साथ साथ एव अवेयरनेस चलना है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एकदम आपको सही ढंग से टाइट रिस्ट्रिक्शंस करना है कि आदमी आने के बाद प्रॉपर स्क्रीनिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। इवन इंटर स्टेट, ये जो आदमी हमारे कर्नाटक का, महाराष्ट्र से अंदर आए हैं, शायद वो दूसरा स्टेट के अंदर भी चले गए, उनको पता नहीं चला, तो इवन डोमेस्टिक स्क्रीनिंग ऑल्सो सही ढंग से करना है। एंड आई विल रिक्वेस्ट दी ट्रैवलर्स, अगर अननेसेसरी है ट्रैवल अभी जरूरत नहीं है बिकॉज इन्फेक्शन फैलते रहेंगे। और उसके साथ साथ हम लोग जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, अभी वी हैव टू गेट ट्रेन, फैसिलिटीज बढ़ाना है पेशेंट्स का, और डोर टू डोर, जैसे तमिलनाडु में डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभी शुरू हो गया है, जिसको नहीं लिया है, जैसे बहुत ज्यादा उम्र का आ नहीं सकते हॉस्पिटल में, उनको जाकर के दे रहा है। सो वो उसके साथ साथ बेड्स भी रखना है तैयार करके, कि अगर मरीज आ जाएंगे उसके लिए हम लोग भर्ती कर लेंगे, मेडिसिन सप्लाईज एवरीथिंग हैज टू रैंप अप। जैसे गवर्नमेंट के लिए हमने बताया है R&D फैसिलिटीज, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे वैक्सीन कंपनीज को परमिशन देना है कि वैक्सीन जल्दी से आप बनाइए, और उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स की अगर जरूरत होगा, कुछ एंटीवायरल्स अभी अप्रूव्ड है मार्क एंड फाइजर का, दो जल्दी से अगर इंडिया में बना हुआ है अच्छा होगा, क्योंकि उनका प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा, कीमत कम हो जाएगा, तो हम लोग सबके साथ यूज कर सकेंगे। रेमडेसिविर, टॉक्लिजुमैब, ओके, ये सब थेरेपीज हमको रेडी करना है। और आप लोग जो मीडिया कर रहे हैं, यस, अवेयरनेस, फेक न्यूज को बंद करना है, बिल्कुल, वी शुड नॉट गेट पैनिक करना है। हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, वो सब बंद करना है, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ऐसे करके जो फेक है उनको एकदम स्टॉप करना है। वी हैव टू हैव ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, पैनिक नहीं करना है हमको, प्रिवेंशन करना है, प्रिकॉशंस लेना है कि हम लोग खतरे में नहीं गिर जाए। सो दिस इज टू बी स्प्रेड बाई योर सेल्फ एंड ऑल ऑफ अस। सो एक आदमी का काम नहीं, हम लोग इकट्ठा होकर सिटीजन्स, गवर्नमेंट, डॉक्टर्स, मीडिया, एवरीबडी को एक साथ, एंड जागरूकता, जो आपने बार बार, यू हैव ऑलरेडी हिंटेड ऑन सेवरल मीटिंग्स इवन, अवेयरनेस, जागरूकता, सबको जानना है, यस, एक वायरस है, अभी वायरस गया नहीं है, वी हैव टू लिव विद द वायरस, हम अवेयर होना चाहिए क्या हो सकता है और क्या होने वाला है, और उसके लिए हम एज अ सिटीजन क्या जिम्मेदार है सबका। बिल्कुल, इन सबको हमें मद्देनजर रखते हुए ख्याल रखना होगा इसका। आगे भी चर्चा करेंगे इसको लेकर, और भी जानकारियां जुटाने की कोशिश करेंगे, ताकि ओमिक्रॉन से बढ़ती लापरवाही की, उस लापरवाही से निपटने के लिए हमें कितना जागरूक होने की जरूरत है और क्या कुछ कदम उठाने चाहिए। खास पैनल हमारे साथ लगातार मौजूद है डिस्कशन के लिए। डॉक्टर अंशुमन, कोविड क्राइसिस से ज्यादा खतरनाक हो सकता है, कहा जा रहा है जो अगला वायरस है वो, इसको लेकर अलग अलग शोध आ रहे हैं निकलकर, अलग अलग यूनिवर्सिटीज से जो है चेतावनी दी जा रही है, वैक्सीन नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के लिए कम प्रभावी साबित होगा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो हैं अब चर्चा का विषय बनी हुई है। आपसे हम जरा समझना चाहेंगे, क्या से इन सब जो शोध हैं इनको देखा जाए और कितना इन पर अमल किया जा सकता है, कितना इन पर सोचने की इस वक्त जरूरत है। ये जो शोध है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बेसिक डिग्री डॉक्टर की MBBS की 5.5 साल की होती है, उसमें सिर्फ इसलिए तैयार किया जाता है कि आप इन टर्मिनोलॉजी को समझ सकें, पब्लिक के लिए शोध में उलझने की जरूरत नहीं है। उसका कारण क्या है कि शोध में आप उलझेंगे तो आप पैनिक करेंगे तो यही होगा, एयरपोर्ट से पलायन करेंगे, भागेंगे, छुपेंगे, उनको ये लगेगा कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो कोरोना का हो रहा है पिछले 2 साल से, उसमें पब्लिक के अगेंस्ट है, पब्लिक अनफ्रेंडली मैनेजमेंट चल रहा है और पब्लिक भागेगी। पब्लिक फ्रेंडली मैनेजमेंट करने के लिए पब्लिक को वो इन्फॉर्मेशन दीजिए जो पब्लिक कर सके, पब्लिक से आप करा सके। तो पब्लिक को एहतियात की जरूरत है, पब्लिक को वैक्सीनेट करने की जरूरत है, पब्लिक को जागरूक करने की जरूरत है, ये तो पब्लिक की बात है। शो
चल रहा है, ये रिसर्चर एकेडमिशियन डॉक्टर्स की बात होती है, शोध की जो बात अगर साधारण भाषा में दर्शकों को समझाए तो ये है, ओमिक्रॉन अभी तक घातक नहीं साबित हुआ है, संक्रमण दर ज्यादा है, इम्यून सिस्टम को चकमा दे रहा है, मतलब आप अगर पहले संक्रमित हुए दोबारा हो सकते हैं, वैक्सीन ले चुके हैं तो भी संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन संक्रमित होने में बीमार होने में अंतर होता है, अति गंभीर रूप नहीं ले रहा है जो वैक्सीनेटेड है, इसीलिए अभी भी कहा जा रहा है कि आप वैक्सीन लेते रहिए, वैक्सीन सेकेंड डोज लीजिए, वैक्सीन बूस्टर डोज की जरूरत है उसको लीजिए। जो बात है सुपर स्ट्रेन की, जो स्पेकुलेटेड है, वर्ल्ड वाइड सारे वायरोलॉजिस्ट कह रहे हैं सुपर स्ट्रेन की पॉसिबिलिटी इंडिया में हो सकती है, क्योंकि डेल्टा ऑलरेडी रैम्पेंट है, खास करके मिजोरम बंगाल जहां आर नॉट वन से ज्यादा चल रहा है, जहां रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा है वायरस का, वहां पे हो सकता है हाइब्रिड सुपर स्ट्रेन वायरस निकले, ये जरूर हमारे लिए घातक हो सकता है। उसके पहले अगर हम मैक्सिमम आबादी को इम्यूनाइज कर लें, मैक्सिमम आबादी बेवजह गैदरिंग ना करे और सारे प्रिकॉशंस ले ले, तो हो सकता है हम इसको टाल दें। जैसे आपने सुना था अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हर महीने के लिए स्पेकुलेट किया गया था कि तीसरी लहर अब आ गई इस महीने आ जाएगी, नहीं आई, धक्का देते जा रहे हैं। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, कंबाइंड एफर्ट ये होना चाहिए कि हम मिलके इसको गैदरिंग को अवॉइड करें, वैक्सीनेशन लें और एक पॉजिटिव ट्रेंड के तहत करें। अदरवाइज कुछ मौतें पिछले वेव में पैनिक के कारण हुई, कुछ मौतें क्राइसिस के कारण हुई, कुछ मौतें ऑक्सीजन सिलेंडर बेड होल्डिंग के कारण हुई, ये ना हो जाए दोबारा। एज ए डॉक्टर मुझे अपने कंट्री से यही उम्मीद है और सबके एकजुटता की जरूरत है, इसमें एकजुट होंगे तो हम इसको अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, एकजुटता के साथ साथ जैसे आप डॉक्टर बता रहे हैं और लगातार जानकारी दे रहे हैं, इसकी बहुत जरूरत है दर्शकों को। डॉक्टर अनीता, और आपकी नज़र में भविष्य में बचाव हो और इससे होने वाला जो नुकसान हो वो कम हो, इसको लेकर किस तरीके की जो है फीडिंग की भी जरूरत है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? दो तीन चीजें हम बताना चाहते हैं। अभी CDC जैसे इंफेक्शन डिजीज पे अमेरिका से रिपोर्ट्स आया है और काफी देशों में बताते हैं कि हमारा जो एंटीवायरल ड्रग्स है जो पहले डेल्टा और कोरोना वायरस के ऊपर काम करता था, शायद वो काम करेगा, बिकॉज काम करने का तरीका एक ही तरह का है एंड वायरस ऑलमोस्ट द सेम म्यूटेशन अलावा। ये वायरस में खाली 45-52 म्यूटेशन जेनेटिक मटेरियल में आया है और उसके साथ साथ स्पाइक प्रोटीन में 26-32 म्यूटेशन आया है, तो शायद रिएक्ट करेगा। दूसरा पॉइंट वैक्सीन के बारे में, यस शायद वैक्सीन एक्ट करेंगे, काम करेंगे इन ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के ऊपर, प्रिवेंट करेंगे आपका वो सीवियर एंड ग्रेटली सीवियर इन्फेक्शन को कम करेंगे, बट री इन्फेक्शन हो सकता है एंड जो वैक्सीनेटेड है उसके ऊपर भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो यही बात है, अगर आप वैक्सीनेटेड हो आपके पास इन्फेक्शन होने का चांस है, हो सकता है, बट इट इज माइल्ड टू मॉडरेट। सीवियर इन्फेक्शन से अपना हमारा जो अभी चल रहा है वैक्सीन वो काम कर सकते हैं बिकॉज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, तो ये दूसरा बात है। तीसरा बात है इनका इन्फेक्टिविटी, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इज वेरी हाई, इट इज स्प्रेडिंग एंड अभी तक जितना कोरोना वायरस का स्ट्रेन आया इज द मोस्ट इन्फेक्टिव, मोस्ट वल्नरेबल, एक से दूसरे के साथ बहुत ही तेजी से फैल रहा है, यही डरने का बात है। तो अपना वैक्सीनेशन आप लेते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके दो बिल्कुल ये सब जो है ध्यान में रखना होगा हमें, जैसे आप बताते हैं जानकारी देते हैं, ये हमें जो है इन सबको अपने एप्रोप्रिएट बिहेवियर में शामिल करना होगा। बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े पैनल में और ओमिक्रॉन को लेकर जो भी जानकारियां थी वो हमने देने की कोशिश। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।